आज पढ़ेंगे पोयम 9, द स्नेक ट्राइंग का मतलब है सर्प का प्रयत्न। मोस्ट ऑफ द अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियर्समैन सिंबल्स ऑफ डेथ, बट द स्नेक इन दिस पोयम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। हम में से अधिकांश सर्पों को लोग मृत्यु के डरावने प्रतीक के रूप में सोचते हैं, किंतु इस कविता में सर्प स्वयं एक शिकार है। द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द पर्शिंग स्ट्रिक विद सडन कवरिंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, ही गेट्स थ्रू द वॉटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। सर्प अपना पीछा करते डंडे से बचने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके पतले लंबे शरीर को घुमावदार बना रहा है। उसकी आकृति इतनी सुंदर व सजीली है, वह पानी में सरकते हुए डंडे की चोट से अपने आप को बचाता है। स्टैंड अप टू ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट पार्ट स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ओ उसे जाने दो पानी में से, उसे छिपने के लिए सरकंडों के बिना चोट के वह बच्चों तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the slip reeds। वह रेत में उस पर दृष्टि पड़ने तक पड़ा हुआ है और वह उसका पीछा किया जा रहा है, और वह पानी की लहरों में से ओझल हो गया है हरे पतले सरकंडों से। ये रही जो सर्प के बारे में कविता, कि सर्प अपने आप को स्वयं को खुद कैसे बचाता है। टेक्स्टुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्नेक ड्राइंग टू स्केप फ्रॉम। आंसर, द स्नेक इज ड्राइंग टू स्केप फ्रॉम द पर्शिंग स्टिक्स। सांप किससे बच निकलने की कोशिश कर रहा है? उत्तर है कि सर्प पीछा करती लकड़ी से बचने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज इट्स कलर। आंसर, नो इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक, इट इज ग्रीन इन कलर। नहीं, वह सकारात्मक सर्प नहीं है, उसका रंग हरा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट विश टू फॉर द स्नेक। इस कविता में जो कवि ने क्या विश किया है उसके लिए। आंसर, द पोएट विशेस सेफ्टी फॉर द स्नेक। कवि सर्प को सुंदर बनाता है। वेयर वॉज द स्नेक बिफोर एनीवन सा इट एंड चेस्ट इट अवे, where does the snake disappear? Answer, the snake was far from water and reefs before anyone saw it and chased away, it disappears in the reeds। किसी के देखे जाने तथा सांप कहां था और उसका पीछा किया वह कहां गायब हो गया। आंसर, सांप पानी और सरकंडों से काफी दूर था, इससे पहले कि उसे किसी ने देखा हो उसका पीछा किया गया वह पानी और सरकंडों में जाके छिप गए। आइए डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखें। इसमें फर्स्ट है परसुइंग, स्पेलिंग पी यू आर एस यू आई एन जी। आंसर, सी एच ए एस आई एन जी। जैसी, इसका मतलब तरह पीछा करती। सेकेंड वन, जी आर ए सी ई, ग्रेसफुल ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, यानी सुंदर। नेक्स्ट, जी एल आई डी ई एस, ग्लाइड्स, यानी एम ओ वी ई मूव, इसका मतलब होता है सरकते जाना। आर ई
आर ओ के ई स्ट्रोक ए ब्लो ए बी एल ओ डब्ल्यू मतलब प्रहार होता है हमला या हमला नेक्स्ट है सी एच ए एस ई डी चेस्ड रेंट आर ए एन ए एफ टी ई आर इन ऑर्डर टू कैप्चर पीछा करना नेक्स्ट है आर डबल ई डी एस यानी रीड्स होता है एस टी ई एम एस स्टेम्स होता है मतलब है सरकंडे नेक्स्ट है बी ए एन आई एस एच ई एस वैनिशेस डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट्स लुप्त हो जाना गायब हो जाना या नेक्स्ट है आर आई डबल पी एल ई एस रिपल्स यानी स्मॉल वेव्स छोटी लहरें होमवर्क है राइट इन योर नोटबुक ऑफ पोएम 9 क्वेश्चन एंड आंसर क्लियरली राइट इन योर नोटबुक टू डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग इन दिस पोएम लर्न क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम रीड द पोएम एंड प्रैक्टिस ऑल्सो थैंक यू सो मच